बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। व्यूअर, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10th क्लास का जो फेडरल बोर्ड का 26 जुलाई मंडे को जो पेपर हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा सेकंड टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, और मैंने जो गेस्ट पेपर दिया था, स्टूडेंट को कहा था जो स्टूडेंट पास होना चाहते हैं ये मेरी वीडियो देखे, मैंने वीडियो अपलोड की हुई थी, अब वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। मेरा 100% गेस जो आया है वो सही आया है। मैंने सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई थी जो सिर्फ पास होना चाहते थे। मैंने कहा अगर पास होना है तो सिर्फ ये एक्सरसाइज कर लें, ये वाले क्वेश्चन कर लें, मैंने निशान लगवाए थे, तो आप लोग पास हो जाएंगे। आप लोग मेरी वो वीडियो भी देख सकती हैं। तो मैं 100% मेरा रिज़ल्ट गेस पेपर आया है। मेरा जो जो मैंने क्वेश्चन बताया वो सारे के सारे वहाँ से क्वेश्चन आए हैं, मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ। देखो साल द इक्वेशन ये फिर 1.3 में से आया हुआ है, वहाँ से भी मैंने बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 हो। उसके बाद मैंने बताया था वो दूसरे चैप्टर में से लास्ट जो एक्सरसाइज है, मैंने कहा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, वहाँ से आया हुआ है। अब मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने बार बार और रिपीट करता रहा हूँ कि सिंथेटिक डिवीजन जो है एक्सरसाइज जो दूसरा चैप्टर है यहाँ से क्वेश्चन लाजमी आता है सिंथेटिक डिवीजन वाले में से। तो आप लोग वहाँ से, ये पेपर मेरे गेस्ट पेपर से आया है, ये 100% मेरे गेस्ट पेपर से आया है। उसके बाद मैंने बार बार रिपीट करता रहा हूँ कि जो आपकी कंपोनेंट डिवेंडो वाले थ्योरम वाले एक्सरसाइज है तीसरे चैप्टर की 3.4 है आई थिंक, तो वहाँ से मैंने कहा था कि लाजमी, वहाँ से कहा था, और एक कहा था जो के मेथड वाले क्वेश्चन है, मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एक कंपोनेंट डिवेंडो में से क्वेश्चन एक आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन, दोनों पर मैंने निशान लगाया हुआ है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन भी मेरे गेस्ट पेपर से आए हैं। मैंने सिर्फ पास होने का बताया था आपको, यहाँ से पास होने का तरीका बताया कि ये क्वेश्चन करें इजी से पास हो सकेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन है, यहाँ से मैं तुमने नहीं बताया था आप लोगों को। उसके बाद 7 चैप्टर को मैंने बताया था, एक क्वेश्चन मैंने कहा था आप लोगों का 7.4 से आएगा, ये लाजमी करें और हल हाल में करें। तो ये देखो 7.4 से आप लोगों का क्वेश्चन आया हुआ है। और एक क्वेश्चन मैंने कहा था 7 जो आप लोगों की एक्सरसाइज आई थिंक 3 है या 2 है, वहाँ से बताया था कि ये जो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इन साइड अ सर्कल ऑफ एंगल इतना है और इसका रेडियस, ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था, ये भी मैंने क्वेश्चन निशान लगाया हुआ है, आप लोग गेस पेपर चेक कर सकते हैं। और बार बार मैंने कहा था इसमें से दो क्वेश्चन लास्ट वाले बताए थे 10 और पता नहीं आई थिंक 7 था, मैंने कहा इन दोनों में से एक आएगा। देखो दो क्वेश्चन बताए थे उनमें से एक क्वेश्चन आ गया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है मेरे गेस पेपर की। इसके बाद ये 7 चैप्टर में से दो क्वेश्चन आए हुए हैं और ये दोनों मैंने बताए हुए गेस पेपर में बताए हुए थे, दो ये हो गए, दो जो 3 में क्वेश्चन आए हुए हैं चैप्टर से दोनों मैंने बताए थे गेस पेपर में, ये पेपर आए पेपर में एनुअल में आएंगे और वही आए हुए हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं अगर किसी को यकीन नहीं है तो मेरा गेस पेपर। इसके अलावा 7.5 में से मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताया था, वहाँ से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। देखो 8 नंबर का लॉन्ग आया हुआ है, 7 से दो क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट जिनके 8 नंबर के, तो 16 नंबर, और दो जो हैं 3 चैप्टर में से शॉर्ट आए हुए हैं जिनके 8 नंबर ये हैं, तो 24 नंबर यहाँ पे आप लोगों ने ले लिए। सिंथेटिक डिवीजन वाला बताया था तो कितना हो गया आप लोगों के 30 नंबर, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बताया था मैंने कहा यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है तो वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ गया, तो 34 नंबर, और 2 आप लोगों का ये कहा था 6 का कहा था, के वाला कहा था यहाँ से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो 38 नंबर। देखो स्टूडेंट मैंने थोड़े से क्वेश्चन बताए थे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 38 नंबर आपके यहाँ से हो गए। और ऑब्जेक्टिव भी कहा था कि एक्सरसाइज वाली आएगी, यानी कि 12 ऑब्जेक्टिव भी काउंट कर ले यहाँ से, तो आप देखो 50 नंबर, जिनके चंद क्वेश्चन बताए थे बहुत ही कम क्वेश्चन बताए, और आप लोग उनके वहाँ से थोड़े से क्वेश्चन बताए, कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं बताई, चंद क्वेश्चन बता के मैंने आप लोग वहाँ से 50 नंबर का गेस पेपर आप लोगों को आ गया। ये तो सिर्फ मैंने कहा था आप लोगों को कि 35 नंबर या 30 नंबर आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन मैंने कहा अगर आप लोग इससे ज़्यादा आ सकते हैं, कम से कम मैंने कहा आप लोगों के 35 नंबर आएंगे। देखो जो गेस पेपर दिया वहाँ से 50 नंबर का पेपर आया हुआ है, बहुत ही सारे का सारा पेपर वही आया है जो मैंने अपने गेस पेपर में बताया। अगर वीडियो पसंद हो तो लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे, आप लोग वीडियो मेरी चेक कर सकती हैं।
100% मेरा मैथ का गेस्ट पेपर आया फेडरल बोर्ड का, जो जो मैंने बताया था वही आया गेस्ट पेपर।